कैनरे आइलैंड यानी कैनरे जज़ायर का नाम कुत्तों के नाम पर रखा गया है। कैनरे आइलैंड सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे परिंदों के नाम पे इस जगह का नाम है, मगर जनाब ऐसा नहीं है। ये नाम तो कुत्तों के नाम पे रखा गया है। स्पेनिश जबान में कैनरे आइलैंड, जो कि लैटिन फ्रेज कैनरे इंसुला से निकला है, इसका मतलब होता है कुत्तों का जजीरा। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पस्तकामत लोग पाए जाते हैं। अगर जा दुनिया के तमाम हिस्सों में छोटे कद यानी पस्तकामत और बुलंद कामत लोग पाए जाते हैं, मगर ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा दुनिया के छोटे लोग पाए जाते हैं। 2017 में टेलीग्राफ में किए गए एक सर्वे में ये बात पता चली कि मुख्तलिफ ज़राए से जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें पता चला है कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पस्तकामत लोग रहते हैं। जब ख्वातीन और हजरात दोनों को इस सर्वे में शामिल किया गया तो जो एवरेज हाइट निकली वो थी 5'1.8". बोलीविया में रहने वाले लोगों की भी ज़्यादा लंबे नहीं होते, उनकी एवरेज हाइट 5'2.4" पाई गई। तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे लोग नीदरलैंड में पाए गए, जहाँ पे एवरेज हाइट यानी कि एवरेज कद 6 फीट पाया गया। द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि पेरिस एग्रीमेंट जो कि आबो हवा की तब्दीली पे किया गया था, उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा ममालिक ने एक दिन में दस्तखत किए। 2016 में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा ममालिक के लीडरान यानी कि 174 लीडरान ने एक एग्रीमेंट पे साइन किए। ये एग्रीमेंट अर्थ डे यानी कि 22 अप्रैल को किया गया था। इस मुआहदे का मकसद ये था कि आबो हवा में जो तब्दीली तेज़ी से आ रही है उसको देखा जाए और ये सोचा जाए कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हम दुनिया के आबो हवा को बेहतर बना सकें और इसको एक रहने के लिए बेहतर जगह बना सकें।